केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दामों में की जा रही मनमानी वृद्धि के विरोध में शनिवार सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक बालाघाट पूरी तरह बंद रहा। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रांतीय आह्वान पर बालाघाट जिला बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें नगर मुख्यालय में पेट्रोल पंप, बस सेवा, शराब दुकान, सब्जी बाजार, शराफा बाजार, चाय पान की दुकानें, होटल सहित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। दोपहर 1 बजे के बाद पेट्रोल पंप और बस सेवा सहित अन्य दुकानें खुल गईं। बालाघाट बंद को व्यापारिक संगठनों का समर्थन रहा। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि पिछले 20 दिनों में पेट्रोल का दाम 20 रुपए से अधिक बढ़ चुका है और रसोई गैस में 1 माह में 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आलम बड़ा हुआ है और हम देख रहे हैं कि पिछले 20 दिनों में पेट्रोल के रेट 20 रुपए से ज़्यादा जो है बढ़ा है। उसी तरह से रसोई गैस पिछले 1 महीने में 150 रुपए के लगभग जो है उसमें भी वृद्धि, मूल्य वृद्धि हुई है। और खाने की जींस, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे वो तुअल हो, तुअल दाल हो, चाहे और भी हमारे ये हो, इनके भी रेट जो है वो मनमानी अब बढ़े हैं। जो हमारे मकान बनाने के मटेरियल्स हैं, वो मटेरियल्स के भी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और इससे पूरे देश की जनता में भारी आक्रोश उत्पन्न हुआ है। वहीं कांग्रेस शहर अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बंद में मिले व्यापारिक और विभिन्न संगठनों के समर्थन को लेकर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सड़क पर उतर सरकार के खिलाफ आमजनों खेतों की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। देखिए, जैसे हम सब लोग जानते हैं 1857 में जो क्रांति पैदा हुई थी वो अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी। आज से जो क्रांति का आगाज हुआ है इन काले अंग्रेजों के खिलाफ हुई है। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। जिस प्रकार से मोदी सरकार द्वारा आम जनमानस की थाली को खाली करने का काम किया गया है, सरकार के खिलाफ पूरी कांग्रेस लामबंद होकर आम जनमानस के सहयोग से इस बीजेपी की सरकार को उखाड़ने का काम करेगी। आज से हम लोगों ने ये प्रण किया है और आज से हम लोग ये अग्रसर हुए हैं इस मुहिम में। बालाघाट से EMS TV के लिए नरेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट।